और पशुपालन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, प्रदेश में आज से होगी पशु गणना। प्रदेश में 5 साल बाद होगी पशु गणना। पिछली गणना वर्ष 2019 में हुई थी। 21वीं पशु गणना 4 महीने तक चलेगी। प्रदेश में 5,68,00,000 से ज्यादा पशुधन है। इसमें बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है, 2,08,00,000 से ज्यादा बकरियों की संख्या है। आज प्रदेश में शुरू होगी पशु गणना। प्रदेश में 5 साल बाद ही पशु गणना होने जा रही है। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, ये बताइएगा कि किस तरीके से पशु गणना होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ष 2019 में जो पशु गणना हुई उसमें देश भर में राजस्थान पशुओं की संख्या में यानी पशुधन में दूसरे नंबर पे है और बकरी, ऊंट और सुअरों में देश भर में सबसे ज्यादा संख्या है। करीब 5,000 से ज्यादा प्रगणक और सुपरवाइजर आज से फील्ड में रहेंगे। हाउसहोल्ड देखेंगे किन किन घरों में पशुधन है जी। पिछली बार जो वर्ष 2019 में जो आंकड़ा सामने आया था जिन घरों में पशुधन था, पहले उनकी जांच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह, देखिए सारा इस बार सारा डेटा कंप्यूटराइज हो जाएगा जी। यानी इस बार की जो गणना रहेगी 31 दिसंबर तक जो गणना की जाएगी 4 महीने तक, वो सारा डेटा कंप्यूटर में फीड रहेगा और आप एक क्लिक पर देख पाएंगे कि किस जिले के किस गांव आबादी गांव में कितना पशुधन है, किसके पास कितने पशु है। अगर किसी का पशु मर जाता है तो उसमें उसको एंट्री करानी होगी या पशु बढ़ते हैं तो एंट्री करानी होगी। तो इससे एग्जैक्ट डेटा रहेगा ताकि अगली बार, अगले 5 साल बाद जो पशु गणना होगी उसमें कोई परेशानी नहीं आए। और देखिए, पशुधन की बात करें तो बेतहाशा बढ़ोतरी पशुधन में हो रही है, लेकिन पशुपालक जो है वो संभवतः इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी संख्या में लगातार कमी आई है। पिछले वर्ष 2019 के पशुगणना की बात करें तो देखिए, 19,00,000 बकरियों के साथ जैसलमेर पहले नंबर पे था जी। 12,00,000 भैंसों के साथ जयपुर पहले नंबर पर है। 10,00,000 भेड़ के साथ जैसलमेर पहले नंबर पर है। 2,037 घोड़ों के साथ जालौर है जो पहले नंबर पर है। और जयपुर में देखिए सबसे ज्यादा, यानी 16,000 से ज्यादा सुअर है, उनका सुअरों का पालन किया जा रहा है। सड़क पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो जो पशुपालक है वो उनको किसी ना किसी रूप में बाड़े में रखते हैं। 34,000 ऊँटों के साथ जैसलमेर पहले नंबर पे है। बड़ी बात यह है, देखिए देश भर में तो ऊँटों में हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऊँट पालकों ने पिछले कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कहा था कि लगातार ऊँटों की संख्या कम हो रही है, इनका प्रजनन कम हो रहा है, इनका संरक्षण चाहिए, ये खत्म हो जाए, तो मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को लेकर के सहजता दिखाई और जो पहला बच्चा होता है उस पर 10,000, दूसरे बच्चे पे 10,000, यानी पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काम कर रही है जी। और इसी का नतीजा है कि 5,68,00,000 से ज्यादा पशु है, जिनकी संख्या इस बार बढ़ी भी मिलेगी, लेकिन पशुपालकों की संख्या कम होना चिंता का विषय है। और अब जो प्रेरक और प्रगणक और सुपरवाइजर जो काम करेंगे फील्ड में आज से, वो पशुधन देखेंगे, पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी समस्याएं नोट करेंगे, सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे और तमाम जानकारियां उनको देखेंगे कि आप पशुपालक को पाल रहे हैं तो किस तरीके से उसका रखरखाव किया जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं पशुओं के लिए उनका किस तरीके से किसानों को लाभ दिया जा सकता है। और देखिए, इसमें पशुपालन विभाग तो गणना में सहयोग करेगा ही, मत्स्य पालन विभाग और डेयरी विभाग भी करेगा, क्योंकि डेयरी विभाग का भी बड़ा रोल है पशुधन सहायकों के दूध को खरीदने में, पशुपालकों से दूध लेने में, और एक उनके पास भी एक बड़ी संख्या है। तो तीनों विभाग मिलकर आज से काम शुरू करेंगे और 4 महीने तक यह सर्वे किया जाएगा और सर्वे को पहली बार कंप्यूटराइज किया जाएगा ताकि आने वाले सालों में पता चल सके कि राजस्थान में कितना पशुधन है, किस पशुधन की बढ़ोतरी हो रही है और कौन सा कम हो रहा है। विनोद जी, ये भी समझाइएगा कि किस तरीके से पूरी तैयारी की जाती है पशु गणना की। जी बिल्कुल, देखिए हर जिले और हर गांव के हिसाब से उनके पास डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस लेकर वो जाते हैं, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में भरते हैं, पशुपालक का नाम होता है, उसके पास कितने पशु हैं, किस नस्ल के पशु हैं, कौन कौन सी नस्लों के पशु उनके पास हैं, वो बाकायदा एक चार्ट पे नोट होता है, वो चार्ट एक जगह एक्साइज होता है पूरे स्टेट लेवल पर, और यहाँ पर जो मॉनिटरिंग के बाद उसको डाटा फीड किया जाएगा। और देखिए, जब पशु गणना पूरी हो जाएगी तो एक बुकलेट छपेगी, एक बड़ी किताब छपती है जिसके संभवतया पिछले से तीसरे या चौथे पन्ने पर पूरी पशु गणना लिखी जाती है, किस जिले में कितने पशु है, कौन सी मेक के पशु है, कहाँ पर पशुओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है, तो तमाम चीजों को कागज पर उतारा जाएगा, फिर उन्होंने उसका सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। और एक ऐप भी तैयार किया जा सकता है जो पशुपालक के पास भी रह सकता है जिलेवार, उसके जिले में कितने पशु है और किस तरीके से जिले को आगे बढ़ाना, और कौन कौन से जिले पशुओं के नाम से जाने जाते हैं। तो तमाम चीजें हैं जिनको संकलित करके आज से सारी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।